अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नॉलेज शेक। नॉलेज शेक के नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर आज के दिन का एक रूहानी अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आज माह शाबान की 9 तारीख है और आज 9 तारीख के दिन आपको दिन में किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। नाजरीन, गरज के आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किलात है जो आपके हल नहीं होती, किसी भी तरह के कारोबार के अंदर आपको परेशानी हो रही है और आप चाहते हैं कि जो भी अहम काम शुरू करें उसके अंदर कामयाबी हो, तो इस अमल को आप ज़रूर कर लें। अगर कर्ज़दार है, आपने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है और वो कर्ज़ जो है वो आप चुका नहीं पा रहे, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसों की जो है सख्त ज़रूरत है, तो आप जो है जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी, आप जो है इस अमल को करके अल्लाह की बारगाह में जब मांगोगे, तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी पैसों की जितनी भी ज़रूरतें होगी वो अल्लाह ताला ता फरमाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के ख़जाने में कमी नहीं है। बस आप जो है यकीन कामिल के साथ इस अमल को करने के बाद जब मांगोगे, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। नाजरीन, उस अमल के बारे में जाने उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम जिन लोगों को जो भी ज़रूरतें हैं, मौला करीम तो उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी फरमा दे। मौला करीम, जो लोग किसी भी तरह के परेशानी के अंदर है, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि जो है आपको भी दुआओं में याद रखा जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप ज़रूर कर दें, ताकि आपका नाम भी दुआ के अंदर शामिल हो सके। अब आइए अमल के तरीके की तरफ बढ़ते हैं। अमल का तरीका ये है कि दिन में जो है आज के दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। आप जो है जोहर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज़ के बाद या फिर मगरिब की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। नाजरीन, आज दिन में किसी भी वक्त जब अमल शुरू करें, तो सबसे पहले 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपको 100 मरतबा अल्लाह तबारक व ताला के ये 4 नाम एक साथ आपको पढ़ने हैं, या रहीमु, या करीमु, या मुजीबु, या वहाबु। ये आपको एक साथ पढ़ने हैं 100 मरतबा, और आखिर में 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। और अल्लाह की बारगाह में आप जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी ज़रूरियात है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।